ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की डिमांड बढ़ने से अब छोटे स्टार्टअप भी अच्छी कमाई कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है स्टार्टअप की मार्केटिंग। ऐसा ही कुछ किया है अमेठी के रहने वाले भानु प्रताप सिंह ने, जिन्होंने अपने दोस्त हर्षित सिंह के साथ कैश क्राई नाम से एक ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू किया, जहां एक ही प्लेटफॉर्म पर 200 से ज्यादा ई कॉमर्स साइट से मार्केटिंग की जाती है। अपने स्टार्टअप के जरिए दोनों ने 2 साल के अंदर 3 से 4 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। 25 साल के भानु ने बीकॉम की पढ़ाई की है, जबकि प्रयागराज के रहने वाले 27 साल के हर्षित ने IIM सिरमौर से MBA किया है। अपने स्टार्टअप को लेकर दोनों ने काफी रिसर्च की और cashcry.com नाम से वेबसाइट तैयार की। बेसिकली हमारी जर्नी ये स्टार्ट हुई 2019 में। हमने अपने आइडिया को कॉन्सेप्ट में बदलने के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट करी प्राइवेट लिमिटेड, और एक इनिशियल जो हमारी स्टार्टिंग शुरुआत थी वो 5000 के इन्वेस्टमेंट से थी। हमने 5000 रुपये लगा के अपनी वेबसाइट और एप्लीकेशन वेबसाइट कंप्लीट कर किया था डोमेन परचेज करके, एंड उसके बाद फिर हम लोगों ने कई सारे IIT IIMs कॉलेज में जो ईसेल इवेंट होते थे वहाँ पार्टिसिपेट करते थे, एंड वो पार्टिसिपेशन के बाद में हमको जो मनी मिलती थी वो हम बिजनेस में अपने लगाते हुए गए और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट मिलता गया। काम ने रफ्तार पकड़ी ही थी कि कोरोना की लहर आ गई, लेकिन लॉकडाउन के हटने के बाद बिजनेस ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी और बिजनेस चल पड़ा। जब हमें ह्यूज फंड की जरूरत पड़ी, ज्यादा फंड की रिक्वायरमेंट पड़ी, सो हमने UP गवर्नमेंट की उसी टाइम पे एक स्टार्टअप पॉलिसी आई हुई थी, सो उसके लिए हमने ट्राई किया। हमने प्रेजेंटेशन दी, KNIT सुल्तानपुर इंक्यूबेटर था हमारा, हम लोग वहाँ पे इंक्यूबेट हुए और इंक्यूबेशन के बाद उन्होंने हमें रिकॉग्नाइज करके गवर्नमेंट के पास भेजा। फिर गवर्नमेंट ने भी प्रेजेंटेशन लेने के बाद उन्होंने हमें फाइनली अप्रूव किया कि आपको ये चीज़ें ग्रांट मिलना चाहिए। सो बेसिकली इन सब चीज़ों से हमने करके अभी रिसेंटली पिछले महीने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया। इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें तो कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले ये कंपेयर कर सकता है कि कहां कौन सा प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है और किस साइट पर क्या कुछ ऑफर है। साथ ही फ्लिपकार्ट, मिंत्रा सहित करीब 200 प्लेटफॉर्म कैश क्राई पर अवेलेबल है। सो अगर आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में तो आपको एक ही एप्लीकेशन में सारी एप्लीकेशन मिल जाती हैं, वो चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो, होटल बुकिंग हो, फ्लाइट बुकिंग हो, तो आप एक ही एप्लीकेशन से वो सारी चीज़ें अवेल कर सकते हैं सेम ऑफर डिस्काउंट के साथ में विथ एक्स्ट्रा कैशबैक। हम लोग उस पर एक्स्ट्रा आपको कुछ परसेंटेज अमाउंट पे करते हैं। बेसिकली ये अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू ये बिजनेस रन करता है। इसमें जो भी हमें रिटेलर जो हमारे हैं मतलब कंपनियाँ जिनसे हमने टाई अप किया वो हमें एक कमीशन पे करती हैं, और उस कमीशन का हम 80-90% हम ग्राहक को ही कैशबैक के फॉर्म में दे देते हैं। ज्यादातर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कस्टमर्स को कूपन और रिवॉर्ड देते हैं, लेकिन डायरेक्ट कैशबैक बहुत कम ही कंपनियां कस्टमर्स को देती हैं। वहीं अब तक भानु और हर्षित की कंपनी ने 8 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट कैशबैक पर खर्च किया है। भानु और हर्षित मिलकर फिलहाल ऑनलाइन मार्केटिंग पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही वे ऑफलाइन मार्केटिंग पर भी काम करेंगे, साथ ही मोबाइल ऐप को लेकर भी वो काम कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि हम एक हाइपर लोकल ऐप बनाना चाहते हैं जिसमें चीज़ें कंटिन्यू हो सकें इंडिया में, कि आपको अगर ऑनलाइन कुछ चीज़ें ढूंढनी है तो आप वही सेम ऑनलाइन सामान बगल की लाला जी की शॉप पे कितने का मिल सकता है, ये कंपैरिजन हम देना चाहते हैं। भानु और हर्षित अपनी टीम में मौजूद 8 लोगों के साथ काम कर रहे हैं और अब तक 10,000 से ज्यादा कस्टमर्स को वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।